हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हमारा ये सेकंड व्लॉग है पेरिस का, और अभी हम जा रहे हैं एफिल टावर की ओर। तो आपको भी दिखाएंगे। अभी हम अपने अपार्टमेंट से तो ट्रेन लेके आए और उतर गए हैं जहाँ पे स्टेशन था, जो नियरेस्ट स्टेशन था एफिल टावर के पास। और अब पैदल हमें जाना है, तो आपको भी दिखाते हैं कैसी हैं पेरिस की स्ट्रीट्स और कैसा है यहाँ का जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो, तो जहाँ पे सब लोग जाके कोई भी मतलब पेरिस आता है तो वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराना नहीं भूलता। तो दिखाते हैं कैसा है। तो कैसा लग रहा है यार? बहुत भीड़ भाड़ है। ट्रेन तो इतनी बेकार थी। हाँ यार, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ही बेकार। इतनी भीड़ है और बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कत, खास करके स्ट्रॉलर है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब हमें अभी तक जो है, वैसे मैंने ये भी सुना है कि चोरी बहुत होती है यहाँ पे, तो फिर ये स्ट्रेस भी रहता है कि इतनी भीड़ भाड़ में तुम चढ़ रहे हो, कहीं चोरी ना हो जाए। चलो अब तो हम पास पहुंच गए हैं एफिल टावर के, आपको भी दिखाते हैं। वेदा तो यहाँ पे बैठी है स्ट्रॉलर में, ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और ये पेड़ों के पीछे दिख रहा है हमें ना एफिल टावर, अभी आपको भी दिखेगा। वैसे तो पता ही है यार क्या है वो, मतलब एक खम्बा टाइप का ही है वैसे तो, बट बहुत पॉपुलर स्पॉट बन चुका है आज के टाइम पे वो वर्ल्ड का। तो चलो हमने कहा हम भी देख आते हैं, जब पास में ही है तो फिर सही है देखना। ये देखो, ये दिख रहा है ना, अभी आगे से पूरा दिखेगा ये। अभी तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। यार एफिल टावर तो हम देखने आए हैं, बट लेकिन एक चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। देखो ये एफिल टावर ये रहा, इसके पीछे ये टॉयलेट कंस्ट्रक्शन एकदम खाली, मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगी मुझे सच में। लाखों रुपए खर्च करके आप फ्रांस आते हो और यहाँ एफिल टावर देखने जाते हो, मतलब दिल अजीब सा हो गया मेरा तो, वेस्ट ऑफ मनी टाइप है ना। और ये लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, ये भी एक्साइटेड थे, बट तुम भी एक्साइटेड थे ना। हाँ। तो फोटो शूट भी कर ही लेते हैं है ना। अभी हम बगल में ही खड़े हैं एफिल टावर के, और पैदल जो है यहाँ की स्ट्रीट से जा रहे हैं अंदर की तरफ, पास से देखेंगे आप। और मिशी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। बट ट्रेन में कैसा लगा? गंदा। ट्रेन में गंदा लगा? हाँ। तो ट्रेन में अभी जब हम इस टाइम पे आए तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा रश था और सीट भी नहीं मिली हमें अभी, तो चलो कोई नहीं। हम जा रहे हैं इसके आसपास की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे घूम रहे हैं। सामने एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट भी है, और इस साइड जो हैं बसेस खड़ी हैं इसकी, और यहाँ बगल में ही कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है। तो ऐसा है कुछ एफिल टावर के आसपास का एरिया। तो ये है भाई यहाँ की कुछ स्ट्रीट, जिनके पीछे है एफिल टावर। तो ठीक है, अभी दूर से तो हमें ऐसा कोई मतलब इतना खास नहीं लगा कि एकदम पीछे पहुँच गए हैं एफिल टावर के। और यहाँ इस बिल्डिंग में हमें इंडियन फ्लैग भी नज़र आ रहा है। अब हमने एफिल टावर के अंदर जो है एंट्री कर ली है, और ऐसा है यहाँ आसपास का माहौल। यहाँ पे आप एंट्री करने के लिए सारा टिकट प्राइस वगैरह सब देख सकते हो। जैसे टॉप फ्लोर पे अगर जाना है एडल्ट्स को तो 35.30 यूरो है, और विद लिफ्ट। और अगर सेकंड फ्लोर तक ही जाना है तो फिर 22.60। बाकी यहाँ पे सबके चार्जेस दिए हैं, मतलब 12-24 एज के, इन्फेंट के लिए सब चार्जेस दिए हैं। तो आपको टिकट लेके ऊपर जाना है, तो टिकट वालों के लिए एंट्रेंस इधर से है, बाकी बाहर से ही देखना है तो उसके लिए जो एंट्रेंस है वो इस साइड से है। तो बैक साइड से तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था हमें देख के। अब हम इसके फ्रंट साइड में आ गए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वाइब्स हैं, हैपनिंग सा माहौल लग रहा है। देखो सब लोग अपना मस्ती कर रहे हैं और फोटोग्राफी कराने में सब लोग बिजी हैं। और इस साइड आपको दे, ये है ओलंपिक्स का सिंबल। तो अभी पेरिस में हुए थे ना ओलंपिक्स, तो अभी उसका सिंबल यहाँ पे है।
और उसके अलावा यहाँ पर एक रिवर भी है। तो फ्रंट साइड में जब हम आए तो यहाँ पे तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे सही वाइब है। बैक साइड में हम कहाँ हो गए, बट यहाँ पे बट फ्रंट साइड बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे लग रहा है। चलो ठीक है, आ गए तो सही है, मतलब उतना बेकार नहीं लग रहा। पीछे तो ऐसा लग रहा था कि क्यों ही आ गए हम, बट यहाँ फ्रंट में आने पे बढ़िया लग रहा है। अब जैसे ही अंधेरा हो जाएगा इसमें पूरे में लाइट जलेगी तब ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो देखते हैं लाइट जलने के बाद ये कैसा लगता है। एफिल टावर के ही ठीक सामने यहाँ पे बोट राइड वगैरह भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर यहाँ पे ये एरिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैक साइड में तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा था। लाइट ऑन हो गई है तो पूरा टावर चमक गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखो इसमें अब आज ये हो गया है गुलाबी पिंक कलर का हो गया है पूरा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हो गई है पूरी तरह से यहाँ पे रात, अंधेरा हो गया है पूरा, और मैंने आपको दिखा दिया था कैसा गुलाबी हो गया था ये एफिल टावर। और अब हम जाएंगे घर की ओर, तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और अब हम कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करेंगे वो आपको बताएंगे और मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।